नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येश ठकराल आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम अपनी वैदिक मैथ्स की लेक्चर सीरीज का 28th लेक्चर लेके आए हैं। जो लास्ट लेक्चर 27 था उसमें हमने सबसूत्र 7 जो है वो देखा था। आज जो है हम देखने वाले हैं सबसूत्र 8 जिसका नाम है अंत्ययो दशके अपि, जिसका ट्रांसलेशन होता है लास्ट टोटलिंग एज 10। तो ये सूत्र जो है ये बहुत ही सिमिलर है जो हमने एकाधिकेन पूर्वेन जो हमारा सबसे पहला सूत्र देखा था उसमें हमने ऑलरेडी इसमें से थोड़ा पार्ट कवर किया हुआ है। फिर भी मैं आज पूरा का पूरा सब सूत्र जो है वो कवर करूंगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी वो चीजें थोड़ी कवर करूंगा। सो जो एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र था उसमें जो है हमने एक मेथड देखा था स्क्वायर करने का, जिसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 हो। ऐसा नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते थे वो मेथड उधर देखा था। उसके बाद हमने थोड़ा देखा था कि जो दो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसमें जो लास्ट डिजिट है वो दोनों का समेशन 10 होता है और जो आगे के डिजिट है वो दोनों में आइडेंटिकल है। उस केस में क्या करते थे वो सिमिलर यहाँ पे थोड़ा रिपीट होगा, बट ये थोड़ा डिटेल में है। तो सीधा हम एग्जांपल्स पे जाते हैं। तो जो पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है वो है 56 × 54। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो ये लास्ट डिजिट है दोनों नंबर का ये 6 और 4, तो इनका टोटल कितना होता है 6 + 4 करोगे आप इनका टोटल हो जाएगा 10, बराबर। और ये जो आगे के डिजिट है 5 और 5 बोथ आर सेम, और ये दोनों का समेशन कितना होता है टोटल इज 10। तो ये केस में हमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही इजी पड़ेगा। हमें क्या करना है सिंपली, हमें ये जो 5 है उसको उसके नेक्स्ट डिजिट यानी कि 5 के बाद क्या आता है 6 उससे मल्टीप्लाई करना है, और ये जो दोनों डिजिट जिसका समेशन 10 हो रहा है उनका भी मल्टीप्लिकेशन करना है यानी कि 6 × 4, बराबर। क्या किया मैंने 5 और उस ये दोनों जो सेम डिजिट है 5 5 उनके लिए क्या करना है 5 × उसका नेक्स्ट डिजिट x × x+1, एंड जो लास्ट डिजिट जिसका समेशन 10 हो रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे करेंगे तो 5 × 6 कितना हो जाएगा आपका 30, राइट, एंड 6 × 4 कितना हो जाएगा 24। तो आपका जो आंसर है 56 × 54 इज 3024, बराबर। सिमिलरली अभी यहाँ पे मैं इतना समझाने नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। 7 और 7 यहाँ पे कॉमन है, बराबर। तो 7 को उसके नेक्स्ट डिजिट यानी किससे मल्टीप्लाई करना है 7 × 8, बराबर। और 2 + 8 कितना होता है यहाँ पे 10, तो 2 × 8 करना है यहाँ पे, बराबर। तो ये जो पोर्शन है 7 × 8 होगा आपका आगे का पार्ट देगा, लेफ्ट पार्ट देगा आंसर का, तो होगा 56, और ये जो है 2 × 8 वो क्या देगा आपका 16 जो कि राइट पार्ट है। तो ये बहुत ही इजी है, सिंपल आपको जो आइडेंटिकल डिजिट्स है जो सेम डिजिट्स है उनको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और जो जिसका समेशन 10 होता है उसको सिंपली मल्टीप्लाई करके रख देना है, बराबर। सिमिलरली यहां पे देखिए, यहां पे जो लास्ट डिजिट है 4 और 6, बराबर, तो उनका समेशन कितना होता है 10, बराबर। और ये जो 11 है दोनों में कॉमन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 11 × 12, बराबर। समझ में आ रहा है 4 × 6, तो बहुत इजी, कुछ नहीं है। देखो 11 × 12, 12 × 10 करोगे 130, एंड एक और बार तो मतलब
सॉरी 12 इंटू 10 करोगे 120 प्लस 12 132 एंड ये कितना हुआ 4 इंटू 6 24 तो आंसर क्या आ गया आपका 13224। अभी यहां पे अभी हम ये जो थे ये तीनों एग्जांपल बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही इजी थे, तो हम इजीली कर पाए। अभी जो है हम थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं। अभी यहां पे देखो, यहां पे ये लास्ट डिजिट का समेशन जो है वो 10 हो रहा है, बट ये तीनों ही आइडेंटिकल नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो दो डिजिट है और ये दो डिजिट है उनका समेशन करोगे तो कितना आएगा 100, जो कि 10 का ही एक पावर है, 10^2 = 100 होता है। तो अभी ये केस में हमें क्या करना है, हमें सिंपली 42 इंटू उसका नेक्स्ट नंबर क्या है 43 और यहां पे क्या करना पड़ेगा 25 × 75 करना पड़ेगा। बराबर, तो ये तो हम कर लेंगे, चलो ये और ये मिला के हम कर भी लेंगे, क्योंकि दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना इजी होता है कंपेयर टू 4 डिजिट। बराबर, तो बट यहां पे एक चीज बहुत ही याद रखनी है कि आपका जो ये जो दो का समेशन जो है वो 10 का कोई भी पावर हो रहा है, तो यहां पे अनकॉमन डिजिट्स कौन कौन से है, कितने डिजिट्स जो है वो कॉमन नहीं है, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए वो एटलीस्ट 4 डिजिट में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको उतना 0 ऐड करना पड़ेगा। मैंने एक एग्जांपल जो लास्ट वाला है वो उसी के लिए रखा है, तो आपको उधर बहुत अच्छे से समझ में आएगा 0 क्यों ऐड करना पड़ रहा है। तो यहां पे 42 इंटू 43 करोगे तो आपका आंसर आएगा 42 इंटू 43 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1806। मैंने ऑलरेडी पहले इसको थोड़ा कैलकुलेट करके रखा था, वरना मुझे भी नहीं आता है इतना जल्दी कैलकुलेशन करना। और ये जो लास्ट है 25 × 75 उसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 1875। तो यहां पे 0 ऐड करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये लास्ट के ये दोनों डिजिट को हम कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 4 डिजिट में आंसर है इसका, तो हाँ, तो यहां पे 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हमें 0 ऐड करना पड़ता है। अगर नहीं समझ में आया तो लास्ट में 100% समझ में आ जाएगा, जो लास्ट एग्जांपल में है तो उधर तक आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये 975 × 925, इसमें भी सिमिलर देखो 75 और 25 दोनों का समेशन करोगे क्या आ जाएगा 100, जो कि 10 का ये पावर है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा 9 और उसका नेक्स्ट डिजिट कौन सा है 10 और 75 × 25 ये जो एग्जांपल्स में अभी ये जो लास्ट तीन वाले ले रहा हूं वो मैंने एकाधिक एंड पूर्वेंट में जो है कवर नहीं किया था, ये आपको थोड़ा नया लगेगा, बाकी ये पार्ट मैंने उधर थोड़ा कवर किया हुआ था। तो 9 × 10 जब करोगे तो उसका आंसर आएगा 90 और 75 × 25 जब करोगे तो जैसे कि हमने इधर किया था 1875। तो यहां पे भी 4 डिजिट जो है अलग थे, यहां पे भी 4 डिजिट आ गए, तो 0 ऐड करने की जरूरत नहीं। अब सो क्विकली देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। तो इसमें क्या है 293 × 207 का हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन करने वाले, बट यहां पे देखिए ये जो 93 और प्लस 7 तो कितना हो जाएगा आपका 100 समेशन करोगे तुम, और यहां पे टोटल डिजिट्स कितने आए जो कॉमन नहीं है ऐसे 1, 2, 3 एंड 4 4 डिजिट से, तो ये 93 × 7 का जो आंसर है वो
फोर डिजिट में आएगा, बाकी आगे का जो नंबर है उसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे टू जो कॉमन डिजिट है दोनों में, उसका उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर आएगा 93 × 7। तो 93 × 07 यहाँ पे है, तो 07 ही लेना है बराबर। तो ये 07, तो ये जब करोगे तो 2 × 3 आपका जो है वो आ जाएगा 6, और 93 × 7 करोगे तो उसका आंसर आएगा 651 बराबर। बट यहां पे कितने डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4, तो ये जो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है उसके नंबर भी 4 आने चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 0। तो यही था 0 जो यहां पे ऐड करना था, तो आपका आंसर क्या आया, 60651। तो आज के लेक्चर में बस यही था कि आपका जो कॉमन डिजिट है उसको उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करो, जो कॉमन नहीं है जिसका समेशन 10 होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और लिख दो, आंसर इज रेडी। सो आई होप आज के लेक्चर में आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।